उज्जैन जिले में वन्य जीवों की तस्करी करती हुई महिलाओं के दो गिरोह के करीब एक दर्जन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनमें चार महिलाएं भी हैं। गिरोह में एक सुनहरा उल्लू और एक दो मुहा सांप बरामद किया है। मंगलवार को एसटीएफ एसपी ने इसका खुलासा किया। एसपी गीतेश गर्ग के मुताबिक सूचना मिली थी कि कुछ लोग वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने दो अलग अलग गिरोहों से 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक गिरोह से दुर्लभ प्रजाति का सुनहरा उल्लू बरामद किया है, जबकि दूसरे गिरोह से 6.5 किलो वजन का रेंड सेंड बोआ यानी दो मुहा सांप, जिसे लैंडई भी कहा जाता है, वो बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन दोनों दुर्लभ प्राणियों को गिरोह के सदस्यों ने 1-1 करोड़ रुपये में वन्य जीवों की तस्करी करने वालों को बेचना चाहते थे। इनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 3-4 करोड़ बताई जा रही है। उल्लू का उपयोग तांत्रिक क्रिया में किए जाने की जानकारी मिली है, जबकि दो मुँह सांप का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। एसटीएफ के द्वारा दुर्लभ वन्य प्राणियों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। सूचना मिली थी, सूचना पर 6 लोगों से एक दो मुहा सांप रेड सैंड बोआ, उसको रेस्क्यू कराया गया वन विभाग के सहयोग से। इसके अलावा 4 लोगों से एक सुनहरा उल्लू गोल्डन ईगल आउल बोलते हैं, वो भी वन विभाग के सहयोग से रेस्क्यू कराया गया। ये कौन लोग थे? ये सब अलग अलग जगह के लोग हैं और मिलकर के सब काम करते थे। इनका मकसद बेचने के लिए, ये तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत रहती है, ये कुछ दवाओं में उपयोग करते हैं, इसके अलावा आउल का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में होता है, तो करोड़ों में इसकी कीमत मिलती है इन लोगों को, तो बेचने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।